और दूसरी बात, आंदोलन के चर्चे जड़ तक चलना है। आज 16 तारीख है, 16 तारीख का मैंने आप सब तक बताया था कि बालसमंद और आदमपुर तहसील के मुआवजे के लिए बुआ ताड़ी तो वाजे हैं, बेटे भी वाजे हैं। फिर बालसमंद की और आदमपुर के मुआवजे के लिए जो आंदोलन हमारे किसान साथी करण लाग रहे थे, उन किसानों ने एक तहसीलदार को बंदी बनाया। यह होती धरने की संख्या की और शेरों की ताकत। बंदी बना लिया और न्यू बोले कि किस बेस पर पटवारी तने ये चीज करवाई है कि उरे 1% भी नुकसान को नहीं। किस बेस पर तने पटवारी तक ऑर्डर दे दिए कि इस तहसील ने मुआवजे की जरूरत नहीं। मैं नाना सुजान और पाछे बैठे हैं, खेड़ी तहसील का मुआवजा का ऊपर पक्की मोर मरवा के आए थे। ये होती संख्या की ताकत। ना तो किसकी हिम्मत है कि एक आज एक किसान साथी सीधा डीसी ऑफिस में बैठ के ने धरना लगावा है। ये संख्या की ताकत है। और एक कोल पे आज भी उरत कहा, यदि हमारे उन बालसमंद और आदमपुर तहसील के किसान साथियों के साथ कुछ हो गया ना, तो देश के सारे संगठन और देश की सारी खाप इकट्ठी करके ना हम उसे थाना में आओगे जिस थाना हमारे उन भाइयों ने लेके जाओगे। और जो भी किसी आईडी का कोई साथी सुन लाग रहे हो, वह एक फोन कॉल बालसमंद आदमपुर तक आई है। और उरत जब इतनी फोन कॉल जावेगी, न्यू देख लियो संख्या कितनी इकट्ठी होके जावेगी। उड़े उरे तो हम बेशक 250 बैठे हो, लेकिन पूरा खेतड़ गांव भी उड़े 2500 बन के पहुंच जाएगा।